हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं फंडामेंटल मैथ, जो लगभग हमें गलतियों से बचाता है। फंडामेंटल मैथ क्या होता है? फंडामेंटल मैथ तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल मैथ में पढ़े हैं, उसी के जरिए हम एक और फंडामेंटल मैथ लेकर आए हैं कि छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर से कैसे देते हैं। बड़ी डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आती है कि कब डेसिमल लगाना है, कब ज़ीरो चढ़ाना है। तो वो डिफ़िकल्टी मेरे हिसाब से वो आपकी इस वीडियो से दूर होगी। जैसे एक एग्जांपल दिया है, 7/15। तो अगर ये 15 का डिवाइड 7 से होता, पहले तो हमें डिवाइड के बारे में जानकारी होगी। इस जिसको हम अंदर लिखते हैं या अभी अंदर जिसको लिखेंगे उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और बाहर लिखने वाले को बोलते हैं डिवाइजर। इसको जो जिसका मल्टीप्लीकेशन देते हैं उसको बोलते हैं हम कोशेंट। बेसिकली हम इसको ऊपर या नीचे लिखते हैं, ऊपर या यहाँ लिखेंगे, और जो बचकर आता है वो होता है हमारे पास रिमाइंडर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम किसका डिवाइड दे रहे हैं? 7 का डिवाइड 15 में दे रहे हैं। कहने का मतलब 7 हमारा यहाँ क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। 15 हमारा क्या हो गया? डिवाइडेंट हो गया। गलत बोल दिया क्या? गलत बोला। बिकॉज ऑफ दैट हम 15 का डिवाइड जब हम 7 में दे रहे हैं, 15 का डिवाइड किस में दे रहे हैं? 7 में। तो लिखने का तरीका ऐसे होगा, 15 अंदर 7 बाहर। यानी कि बेसिकली जो ऊपर वाला नंबर है आगे आने वाला, जैसे इसको ऐसे लिखते 15/7, तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? डिवाइडेंट। इस केस में हम पहचान नहीं पाते क्या रहता है ये, क्या भैया ये डिवाइजर है। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 7/15, तो 7 यहां डिवाइडेंट है। बात समझ में आया? और 15 क्या है? डिवाइजर। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि 7 को हम क्या लिखेंगे? अंदर, क्योंकि डिवाइडेंट कौन लिख रहे हैं हम? अंदर। और 15 को क्या लिखेंगे? बाहर। ठीक है ना? गलती के साथ हमें गलती नहीं करनी, अच्छा करना है। बेसिक के साथ हम बात करेंगे तो 7 का डिवाइड 15 करना। बात समझ में आया? तो हमारा 7 क्या हुआ, पहले तो हमें पता चल गया 7 क्या हुआ? डिवाइडेंड। ठीक है ना? और 15 क्या हुआ? डिवाइजर। ठीक है ना? फंडामेंटल हमने बात करी, अब हम क्या करने वाले हैं? इसका डिवाइड। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। तो पहला दिया है 7 अंदर लिखेंगे, 15 को बाहर लिखेंगे। तो बेसिकली अगर ये सिंपल वैसा वाला मेथड होता कि 15, ठीक है ना, और ये 7, अगर ऐसे होता तो कैसे सॉल्व करते? 2 बार चला जाता, 1 बसता, पॉइंट चढ़ाते, 0, फिर 1, फिर 7, ऐसे सॉल्व करते जाते। बात समझ में आया? लेकिन हाउ टू सॉल्व देम इन दिस केस? तो इसके लिए बस हमें एक फंडामेंटल याद रखना है, पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट करना, डेसिमल को डिस्प्लेसमेंट करना। कैसे? जैसे अभी ये 15 है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? जो 7 है वो 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो उस केस में हम यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। कहाँ पर लगा लेंगे? डिवाइडेंट में 0 लगा लेंगे, जो छोटा नंबर है उसमें 0 लगा देंगे, और पॉइंट ऊपर बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे? ऊपर। ऊपर मतलब कोशेंट में। बात समझ में आया? और जब इसके आगे पॉइंट बढ़ा रहे हो तो 0 लिख दो, इसको थोड़ा सा रेस्पेक्टेड दे दो, मतलब उसके कहने का मतलब पॉइंट के राइट साइड पर। ठीक है ना? नहीं लिखना चाहो तो बिल्कुल मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? पॉइंट 0 मतलब को फालतू में कंफ्यूज हो। तो 15 अब ये 17 बन गया, यानी कि ये डबल डिजिट बन गया। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टेबल तो सबको याद होगी। तो 15 4 जा चला जाएगा, ये 61, यहां से बचा 10। बात समझ आई? कितना बचा? 10। अब क्या 10 15 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। बात समझ में आया? हम 0 कब लगाएंगे? जब छोटी डिजिट होगी। कहाँ पर? डिवाइडेंट पर, अंदर। और यहाँ पर कैसी डिजिट है? बड़ी डिजिट है, तो हमने 0 लगा दिया। लेकिन जब आप 0 लगा रहे हो तो पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट कब लगाना है? पॉइंट सिर्फ स्टार्टिंग पर लगाना है, जो हमने लगा दिया। अब क्या दोबारा पॉइंट लगाएंगे? नहीं। अब इस पॉइंट से हमें 0 मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब पॉइंट किस एक ही बार लगता है एक ही डिजिट में। अब ये नहीं होता 4.4.4 ऐसे कब तक होगा भाई? गलत हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ डिवीजन, जब हम डिवाइडेंट में पहला सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक बार पॉइंट लगना है, वो भी कहाँ लगेगा? क्वेश्चन में। उस पॉइंट से 0 मिलते जाएंगे आपको।
तो 100 कितनी बार चला जाएगा, आई थिंक कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 90। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या बचा, 10 बचा, बात समझ आई, 10। फिर दोबारा देखो दिख रहा होगा, फिर 10 अभी आया था, फिर दोबारा अब क्या लगा लो, 0 पॉइंट लग रहा है, उस पॉइंट से ही हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर दोबारा ये कितनी बार चला जाएगा, 90, तो यहाँ से फिर 10 मिलता जाएगा, ऊपर 6 लिख दो क्योंकि हमने इसको कर दिया, यानी कि ये चलता रहेगा। यानी कि इसका डिवीजन क्या आ गया, 7 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0.466। बात समझे भाई, 0.46। यहाँ आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, कहाँ, पॉइंट से इधर साइड, यानी कि मेरा लेफ्ट साइड है पॉइंट का राइट साइड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट यहाँ 0 नहीं लगा हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप 0 ऐसे नहीं लगा सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0.0466, ये आप नहीं कर सकते। ये जब ही कर सकते थे जब वो आगे सीखेंगे कैसे यहाँ 0 लगेगा, लेकिन ये हमारा क्या आया, डिवीजन आया किसका, जब हमने डिवाइड दिया इस डिजिटों का। इतनी चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकंड, 16 कहाँ लिखेंगे, 16 अंदर लिखेंगे भैया, ऊपर वाला क्या है ये डिवाइडेंड, अभी जस्ट समझाया तो नहीं समझ आए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और इसको लिख देंगे 56। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ अपनी तरफ से, इसको क्या ले लेता हूँ, जैसे समझाने के लिए, ये तो इसी की तरह हो जाएगा, इसकी तरह अपनी तरफ से ले लेता हूँ इसको, मैं क्या ले लेता हूँ, हाँ सिर्फ 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 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 1, या एक कहोगे 1 नहीं 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्या ले लो 6, ठीक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 6 तो इसी की तरह हो जाएगा, ऐसा करो इसको डिजिट ले लो 6 और 6 6, बात समझो भाई, जिससे कि कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होना है। इसको 6 लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब जाना तो नहीं है क्योंकि ये 3 डिजिट और ये 1 डिजिट, इसके लिए या तो ये वाली अंदर वाली 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, उससे ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो, किसके, डिवाइजर के। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 चढ़ाएंगे। बात समझ में आया, पॉइंट बढ़ाया 0 चढ़ाया, लेकिन यहाँ पर ये 3 और यहाँ फिर कितना होगा, 2 डिजिट, तो इसके लिए एक और 0 चढ़ाएंगे। बात समझ में आया, क्या चढ़ाएंगे, एक और 0। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में एक 0 चढ़ाया था तब पॉइंट लगाया था, और आप दूसरा 0 चढ़ा रहे हैं, क्या दोबारा पॉइंट लगाओगे, नहीं, स्टार्टिंग में जब 2 0 चढ़ते हैं तो एक पॉइंट और एक 0 लगता है। ये पॉइंट किसका है, ये 0 का है, और ये 0 किसका है, इस 0 का। बात समझ में आया, यानी कि पॉइंट जब हम स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट एक दफा, और 0 लगाने का केस आया तो हम 0 ही लगाएंगे वहां पर। कॉन्सेप्ट से बात की हमने, समझ में आ गया होगा। तो अब ये चला जाएगा 56 वन जा, तो यहाँ आ जा 56 6 माइनस के, यहाँ से कितना बच गया, 24। बात समझे, 24 क्यों भाई, 34, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज समझे। अब और भी काटेंगे सर, हाँ तो 3 डिजिट तक करीब करीब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट से एक 0 मिल जाएगा, इस पॉइंट से क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया, कोई दिक्कत। अब ये 556 566 और ये कितना, 340, क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा ही है, तो इसके लिए हमें और चाहिए, क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं लगा सकते, सिंपल 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगा दो। यहाँ अब एक पॉइंट से तो 0 मिल गया, लेकिन आप जब 0 दूसरा लगाने जाएंगे तो एक 0 आपको क्वेश्चन में दोबारा लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा कि जब आपको 2 0 लगाने पड़े स्टेप्स में, तब तो आप कंडीशन क्या रखेंगे कि एक पॉइंट से तो एक 0 मिल जाएगा, लेकिन जब आप एक और 0 लगाएंगे एडिशन में तो क्वेश्चन में भी क्या लगाना पड़ेगा, 0। बात समझ में आया, यानी कि आप इससे एक उधारी तो ले सकते हो 0 की, ठीक है ना, लेकिन आप अगर दूसरा 0 लगाओगे काटने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो 0 क्वेश्चन में उसको हाजिरी लगानी पड़ेगी, भैया 0 लगाओ। बात समझ में आया, तो 56 की टेबल हम कितनी बार पढ़ देते हैं, 5 बार, ये कैसे पता सर आपको, लगभग 5 जा 25, उससे ज़्यादा ही होगा, तो 5 6 जा 30 33, ये हो गया 28, अब लगभग 6 से नहीं जाना चाहिए, चलो जाएगा 6 6 36 6 6 जा 6 39 6 5 जा
30 और 3396 सही चला जाएगा। तो ये 6 बार चला गया 3396, बात समझ में आया। यहाँ से कितना बचा 4, और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिंपल हमें यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर 3 डिजिट तक पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया इसका, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे हिसाब से ये आप कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने सीखा कि स्मॉलेस्ट डिजिट का लार्जर डिजिट में कैसे डिवाइड देंगे, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो बने रहिए फंडामेंटल मैथ के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब शेयर फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स।